हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो वीडियो है ये 5-6 दिन के बाद में आपको मिल रहा है, एक लंबा यानी गैप के बाद। तो इसका मतलब रीज़न यही है फ्रेंड्स कि तबीयत जो है वो यानी 100% ठीक नहीं थी, तो लेकिन अभी सब ठीक है। तो अब मेरा रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ग्लिसरीन के फ़ायदे। फेस के लिए, बॉडी के लिए जो यानी ग्लिसरीन होता है वो बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ में इसके जो फ़ायदे हैं, जो मुझे इसके फ़ायदे पता है, वही मैं आप लोगों के साथ में फ्रेंड्स शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने लिया है ये ग्लिसरीन। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी टाइप से मतलब 3-4 बॉटल्स लेके रख लिए हैं। ये मैंने केमिस्ट की शॉप से लिया हुआ है। और फ्रेंड्स, फिर मैंने इसके साथ में लिया है रोज़ वाटर। ये देखिए, ये मेरे पास रोज़ वाटर है। तो फ्रेंड्स, ये रोज़ वाटर और ग्लिसरीन दोनों को मैं इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके जब भी मैं रात को सोने के लिए जाऊँगी तो इसे मैं अपने पूरे बॉडी पर लगा लूँगी, फेस के साथ साथ में पूरे बॉडी में। तो इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स कि अपना जो स्किन है, अपना पूरा जो स्किन है वो उसको एक बढ़िया मॉइस्चर मिलता है, यानी एक बढ़िया मॉइस्चराइज़र का काम ये ग्लिसरीन और रोज़ वाटर करता है। और साथ में जो अपना स्किन का जो टोन है वो भी बहुत अच्छा होता है, स्किन थोड़ा अपना फेयर होता है। अगर कोई इसमें दाग है, धब्बे हैं तो वो दूर होते हैं। तो ये ग्लिसरीन जो है, अगर ये रोज़ वाटर के साथ में फ्रेंड्स अगर ये मिल जाए तो ये अपने को डबल फ़ायदा देता है। मेरे पास है ना एक यानी रोज़ वाटर का एक खाली जो होता है यानी बॉटल ये रखा हुआ है। तो इसी खाली बॉटल में मैं इसमें ये जितना यानी ग्लिसरीन है वो मैं इस डिब्बे में डाल रही हूँ पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये ग्लिसरीन मैं एक खाली बॉटल में मैंने ये ग्लिसरीन को डाल दिया। और फ्रेंड्स, इसी ये जो मैंने ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ग्लिसरीन डाल दिया है। अभी इसी ग्लिसरीन में मैं जितना मैंने डाला है ग्लिसरीन उससे थोड़ा ज़्यादा मैं डालने वाली हूँ रोज़ वाटर। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, हमें जो ग्लिसरीन है उसे कभी भी यानी अकेले नहीं लगाना है, उसके साथ में रोज़ वाटर मिक्स करके ही हमें बॉडी पर लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यानी ग्लिसरीन और रोज़ वाटर ये दोनों मैंने मिक्स करके ये बॉटल में रख लिया है। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे पूरे अपने हाथों में, अपने पैरों पे, अपने पूरे बॉडी पे, फेस पे हमें इसे अप्लाई करना है एवरी डे। तो फ्रेंड्स, रोज़ वाटर और ये ग्लिसरीन का जो मिक्सचर है अगर हम रोज़ अपने बॉडी पर अगर लगाएंगे तो इसके एक नहीं इसके बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। और वो फ़ायदे क्या क्या है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जो ग्लिसरीन है ना वो बिल्कुल एक दवा की तरह हमारे स्किन पर काम करती है। हमारे स्किन की झुर्रियाँ, फाइन लाइंस, ड्राई पैच, एजिंग, स्किन इन्फेक्शन यानी स्किन का जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी ये ग्लिसरीन उसे दूर कर देती है फ्रेंड्स। लेकिन बस इसे आप रेगुलर यूज़ करें, ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन, आप इसे रेगुलर यूज़ करें तो इसके रिज़ल्ट से आप हैरान रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्लिसरीन है ना वो एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। रोज़ स्किन पर ग्लिसरीन का इस्तेमाल करने से हमारा जो स्किन है ना वो हाइड्रेट होता है, सॉफ्ट होता है और फ्रेश रहती है। फ्रेंड्स, जो ग्लिसरीन है वो हमारे स्किन का जो पीएच है उसे वो बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। और फ्रेंड्स, अगर हम रोज़ाना अपने चेहरे पर ग्लिसरीन और रोज़ वाटर लगाकर अगर बाहर भी जाए धूप में तो धूप से होने वाले जो नुकसान को ये हमें ग्लिसरीन जो है हमें बचाती है, हमारी स्किन की वो रक्षा करती है, यानी हमारा जो स्किन है वो धूप में भी सेफ रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे तो रोज़ाना आप ग्लिसरीन को यूज़ करें। ग्लिसरीन से बढ़िया मॉइस्चराइज़र दूसरा कोई हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। ये स्किन के रूखेपन को, दाग धब्बे को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। आपका जो चेहरा है वो बेदाग होता है, स्किन जो है वो बेदाग होती है और इसके साथ साथ एकदम शाइनिंग यानी कि चमकदार होती है स्किन। तो जब हम ग्लिसरीन को रोज़ वाटर के साथ मिलाकर लगाते हैं
तो इससे हमें यानी दुगना फ़ायदा यानी मॉइस्चराइज़र मिलता है, जिससे हमारी जो स्किन है वो नेचुरल ग्लो करती है और साथ में अपना जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप ग्लिसरीन को एक टोनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर ले और उसके बाद में इक्वल अमाउंट में आपको लेना है ग्लिसरीन और रोज़ वाटर। ये दोनों आप अपने फेस पे अच्छी तरह से फेस पे नेक पे आप लगा के छोड़ दें, तो ये आपका एक टोनर का काम करता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ग्लिसरीन के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये ब्लैक हेड्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और अपने स्किन के यानी त्वचा के दाग धब्बों को तो बिल्कुल ये दूर कर देता है। अपना जो डेड स्किन जो होता है उसको भी ये हटाता है और जो स्किन पोर्स में मौजूद जो गंदगी होती है उसे भी ये दूर कर देता है। और फ्रेंड्स ये जो ग्लिसरीन है आप इसे एक एंटी एजिंग क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस वही आपको यानी रोज़ वाटर और यानी ग्लिसरीन इक्वल अमाउंट में लेना है और रात में आप अपने चेहरे पर नेक पे लगा के सो जाए, तो इससे अच्छा एंटी एजिंग क्रीम दूसरा कोई हो नहीं सकता फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो ग्लिसरीन है वो यानी ड्राइनेस के लिए तो वो रामबाण है। अगर किसी भी प्रकार का बॉडी में कहीं भी अगर ड्राइनेस है तो अगर आप वहाँ पे ग्लिसरीन लगाना शुरू कर देते हो तो कुछ ही दिनों में आपको ड्राइनेस की समस्या से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आप ग्लिसरीन को अपने एड़ियों पे भी यूज़ कर सकते हो। यानी बहुत बार क्या होता है कि अपनी जो एड़ियाँ होती है काफ़ी रूखी सूखी होती है, फटी होती है, उसमें यानी दरारें होती है, तो उसमें भी अगर आप ग्लिसरीन डेली लगाते हो तो आपकी एड़ी का जो रूखापन है, कट्स है, वो बिल्कुल धीरे धीरे करके एकदम ठीक हो जाएंगे। और इसको फ्रेंड्स आप अपने लिप्स पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके लिप्स बहुत ड्राई हैं, सूखे हैं, रूखे हैं, तो उसमें भी आप एवरीडे रात को अपने लिप्स पे लगाकर सो जाए, आपके लिप्स की ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपके चेहरे पे किसी भी प्रकार का कोई दाग है, धब्बा है, कुछ निशान है, तो उसके लिए आपको लेना है एक चम्मच नींबू का रस और उसमें आपको डालना है एक ही चम्मच ग्लिसरीन। दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले और अपने फेस पे नेक पे आप लगा के आधा घंटे के लिए छोड़ दे और फिर साफ़ पानी से वॉश कर दे। अगर आप ऐसा डेली करते हो तो आपके चेहरे का कोई भी अगर दाग है, धब्बा है, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ग्लिसरीन को आप एक क्लिंजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है आधा चम्मच शहद और उसमें आपको डालना है एक चम्मच ग्लिसरीन। दोनों को अच्छे से मिलाकर आप फेस पे आधा घंटा के लिए लगा के छोड़ दें और फिर साफ़ पानी से वॉश कर लें। तो फ्रेंड्स ये आपका क्लिंजर का काम भी हो गया। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि ग्लिसरीन आपको ऐसे सिंगल में नहीं यूज़ करना, उसके साथ आप रोज़ वाटर को मिलाकर ही अपने बॉडी पे अप्लाई करें। और ये आप चाहे तो बच्चे बड़े कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रोज़ वाटर के साथ में मिक्स करके ही लगाएं। तो फ्रेंड्स यही था आज का मेरा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।